स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का वीडियो है उन सारे लोगों के लिए जो लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में, ई कॉमर्स के इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, मतलब कि उसके अंदर अपना जॉब करना चाहते हैं या फिर स्टार्टअप किसी तरह का करना चाहते हैं, क्योंकि आज का दौर स्टार्टअप का है। बहुत सारी कंपनी आज के डेट में स्टार्टअप एज ए स्टार्टअप स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्टअप भी करना चाहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कोर्स हैं जो आप कर सकते हो, किस कॉलेजेस से आप कर सकते हो, ऐसे सारे कोर्स जो है कौन कौन से कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी करवाती है जहाँ से कि आप कर सकते हो, अप्रॉक्स कितना खर्च आने वाला है आपको ये सारे कोर्स करने में, उसके बारे में जानकारी दूंगा। अगर आपने ये सारे कोर्स किया तो कैसे किस किस तरह के कंपनियों में आपका जॉब लगने का संभावना ज़्यादा हो जाता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, ई कॉमर्स से रिलेटेड हो या फिर लॉजिस्टिक से रिलेटेड हो, तो ये सारे जानकारी दोस्तों आज के डेट में मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। इससे रिलेटेड मैंने एक दो वीडियो पहले भी बनाया था, बट उसमें सिर्फ जॉब से रिलेटेड मैं डिटेल दिया था, उसमें मैंने कोई खास कोर्स के बारे में नहीं बताया था कि आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं तब आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं, किस तरह के कोर्स करने के बाद आपको इस इंडस्ट्री में, मतलब कि लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन या फिर मैरिन टाइम जो होता है, मैरिन लाइन जो होता है, शिपिंग जो होता है, इसमें आपको जॉब करने का जो संभावना है या फिर स्टार्टअप करने का जो संभावना है बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज मैं यही सारे डिटेल्स पे यहाँ पे बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपना कैरियर किस दिशा में लेकर के जाना है ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके। अगर मैं खुद के अपने एजुकेशन की बात करूँ तो मैं ज़्यादा कुछ तो खास नहीं किया हूँ, सिंपल ग्रेजुएशन है, बट 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो जॉब करते करते लोगों के साथ बैठते उठते अच्छा खासा जितना एक्सपीरियंस हुआ है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बट जो नए लोग हैं जो आज के डेट में इंडस्ट्री मार्केट में लॉन्च हो रही है, वो किस तरह का डिग्री लोगों से चाहते हैं अपने कंपनी में जॉब कराने के लिए, आज मैं वही शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं MBA HR। अगर आप MBA HR मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से करते हो तो आपका जो खर्च है तकरीबन 1.5 लाख, डिस्टेंस से मैं बात करूँ तो तकरीबन 1.5 लाख, और मैक्सिमम तो दोस्तों बात मत कीजिए 5 लाख, 7, 10, 15, 20, 50 लाख तक जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप कॉलेज किस तरह का चूज करते हैं। अगर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज आप चूज करोगे तो जरूर जाहिर सी बात है कि 40-50 लाख तक का खर्चा हो सकता है। बट इंडिया में आप तकरीबन एक अच्छा कॉलेज में बात करूँ तो आपको MBA करने के लिए तकरीबन 5-6 लाख रुपये का जरूरत होता है। और आप HR में MBA करके इस इंडस्ट्री में, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में आराम से जॉब कर सकते हो। इस इंडस्ट्री में आपको रिविगो जैसी कंपनी, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी, ब्लैक बग, एक्सप्रेस बीज डिलीवरी, अमेजोन जैसी कंपनी में आराम से जॉब मिल सकता है। तो आप सोच सकते हो कि इसका स्कोप कितना ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर दोस्तों एचआर फाइनेंस एक्चुअल में आपके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में चला जाता है। कोर्स के खर्चे की मैं बात करूं तो सिंपली उतना ही आने वाला है जितना कि आपका एचआर का आने वाला था, और ये कोर्स भी कर करके आप ये सारे कंपनी में आराम से जॉब कर सकते हो। इसके बाद है दोस्तों MBA सेल्स जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड होता है, जहाँ पे कि लोगों को बिजनेस लाने का सबसे ज़्यादा काम होता है, बिजनेस डेवलपमेंट का काम होता है। बिजनेस मतलब कि जो या तो लोड लाए, रॉ मटेरियल लाए, किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस हो सकता है वो। तो अगर आप MBA सेल्स किए हो तो आपके पास लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में आपको आने का अच्छा खासा मौका मिल जाता है, ई कॉमर्स में भी मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी मिल जाता है। बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में रखता हूँ। अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मंत्रा, मार्स्क, वीआरएल लॉजिस्टिक्स, सेफएक्स, ओम लॉजिस्टिक, TCI, इसके अलावा मैं बात करूँ सेफएक्स एक्सप्रेस, ब्लैक बग, रिविगो, ये सारे कंपनियों में आपको आराम से जॉब मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जो प्रोफेशनल होता है, लॉजिस्टिक से प्रोफेशनल होता है बिल्कुल, वहाँ पे सिर्फ लॉजिस्टिक के बारे में ज़्यादा करके बताया जाता है। MBA इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, जी हाँ दोस्तों, अगर आप MBA लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में करना चाहते हो तो डिस्टेंस में आपको तकरीबन 3 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाएगा। मैक्सिमम आपको ये 7, 8 या 10 तक जा सकता है।
अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे अच्छा, अगर मैं कॉलेज की मैं बात करूँ तो इसमें आपका है IIMM चेन्नई, IIM यूनिवर्सिटी, इसके अलावे है हॉलमार्क, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, ICFAI। तो ये सारे जो कॉलेजेज हैं यहाँ से आप MBA में MBA कर सकते हो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में। इसके बाद आता है दोस्तों MBA इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। ध्यान रखिए जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है। यहाँ पे भी अलग अलग रोल वाइज MBA के कोर्सेज होते हैं। तो आपको अगर MBA ऑपरेशन मैनेजमेंट लॉजिस्टिक में करना है तो आपको यही सारे यूनिवर्सिटी को चूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको तकरीबन जो खर्च आने वाला है दोस्तों आपके कोर्स का, वो तकरीबन आपको 7 से लेकर 10 लाख रुपए तक आने वाला, जो अच्छा खासा कॉलेज होता है। मैं वो कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे IIM हो गया या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, लंदन बिजनेस स्कूल हो गया, ये सारे कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इंडियन कॉलेज है, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज है, जो अच्छे खासे मुकाम आज की डेट में हासिल कर चुके हैं और यहाँ पे उनका बिजनेस चल रहा है, यहाँ पे उनका कॉलेजेस चल रहा है। तो वहां से अगर आप करना चाहते हो ऑपरेशन मैनेजमेंट MBA में, तो आपको तकरीबन जो खर्च आने वाला है वो 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक के बीच में आने वाला है। इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी कोर्स है दोस्तों MBA इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल के मैनेजमेंट से लेकर के उसके फिनिश गुड्स को डिलीवर कराने तक का जो काम होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आता है। इसमें बहुत कुछ देखा जाता है, इसके अलग अलग मैकेनिज्म इसके अंदर यूज होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो आप अगर MBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट से भी करते हो तो भी आपके पास अच्छा खासा स्कोप है, और MBA अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट से करते हो तो सबसे ज्यादा आपके पास स्कोप है दोस्तों ई कॉमर्स जैसी कंपनी में जाने का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है मैन्युफैक्चरिंग की, जैसे कि आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, आपका ब्रिटानिया हो गया, पार्ले हो गया, ज्योति इंडस्ट्रीज हो गया, ये सारी जो कंपनीज है इंडिया की बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट से आए हुए बंदे को बहुत जल्दी जॉब मिल जाता है। यहाँ पे उनके चांसेस जॉब के ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जब आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट से MBA करते हो तो आपके पास यूनिक थिंकिंग एक निकल करके आता है, जहां से कि आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं बात करता हूँ स्टार्टअप का, रिविगो का नाम सुना होगा आपने, ब्लैकबक का नाम सुना होगा, फ्लिपकार्ट का नाम सुना आपने, ओला का नाम सुना आपने, ये सब एक यूनिक थिंकिंग था जो कि इंडिया में आकर के लोगों ने स्टार्ट किया। वो इंडिया के ही रहने वाले थे, यहीं से उन्होंने बीटेक किया, MBA किया और भी बहुत कुछ किया, बट उन्होंने ही ये सारे कंपनियों को इंडिया में आकर के स्टार्ट किया। और आज के डेट में ये सारी कंपनी किस मुकाम पे है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर आप दोस्तों MBA करते हो या फिर सर्टिफिकेट कोर्स, अभी उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, सर्टिफिकेट कोर्स आपको अगर लॉजिस्टिक में करना है तो, ट्रांसपोर्टेशन में करना है तो, डिप्लोमा कोर्स अगर आपको इसमें करना है तो, बीटेक करना है तो, कैसे कैसे कंपनी में जॉब लगेगा आपको, यहाँ पे ब्लैकबक, रिविगो, सेफ एक्सप्रेस, TCI, अडानी लॉजिस्टिक, एजिस लॉजिस्टिक, ऑल कार्गो, चेतक कंटेनर कॉर्पोरेशन जिसको कि CCI भी बोला जाता है, महिंद्रा लॉजिस्टिक डिलीवरी, फ्लिपकार्ट, एमेजोन, मंत्रा, मर्स, VRL, ओम लॉजिस्टिक, DHL, फेडेक्स, AWL, ऐसे सारे कंपनियों में, इस तरह की जो कंपनीज हैं इसमें जॉब लगने का जो संभावना आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये सारी जो कंपनी दोस्तों मैं बताया हूँ यहाँ पे सैलरी भी अच्छा खासा है, इसलिए मैं यहाँ पे छोटे कोई कंपनी को ऐसा नहीं लिया हूँ जहाँ पे कि सैलरी रेंज थोड़ा डाउन हो जाता है। ये सारे कंपनियों में सैलरी रेंज भी अच्छा खासा है। यहाँ पे डिग्री लेकर के आने वाले लोगों का, जिनके पास की मास्टर डिग्री हो, डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेशन का डिग्री हो, तो उनका वैल्यू थोड़ा सा दूसरे लोगों से सारी कंपनियों में बढ़ जाता है। और यहाँ पे उनको अच्छे अच्छे से जो रोल है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, एनालिस्ट जैसे रोल प्रोवाइड किए जाते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड रोल प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों सर्टिफिकेशन कोर्स जो होता है SCM में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। सर्टिफिकेशन कोर्स सबसे छोटा होता है, ये 2 महीने 3 महीने 6 महीने या 1 साल के लिए होता है। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, ध्यान रखिए मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ना तो मैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ ना ही मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, सिंपली सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपको खर्चा आता है दोस्तों तकरीबन 20,000 से लेकर के सर्टिफिकेट कोर्स में
1.5 लाख रुपए तक आता है। तो आप देख सकते हो कि सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद भी आपका इतना सारा खर्चा होता है, बट यहाँ से जब आप सर्टिफिकेट कोर्स करके किसी अच्छे कंपनी में जाते हो तो आपको अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है। और सबसे लास्ट में बात करते हैं दोस्तों बीटेक इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनी है उसमें से तकरीबन 70% लॉजिस्टिक कंपनी में, लॉजिस्टिक कंपनी की बात कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की बात कर रहा हूँ, ई कॉमर्स तो इसके बाद बात की बात है, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, ऐसे सारे कंपनियों में आज के डेट में बीटेक जिसको कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बोला जाता है, जहाँ पे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इंजीनियरिंग करवाया जाता है, ऐसे लोगों का भी बहुत ज़्यादा मांग है। यहाँ पे आपको पाइथन से रिलेटेड, जावा, बहुत कुछ है इसके अंदर, जंगलर, एंगुलर जेएस, इस तरह के जो लैंग्वेजेज होते हैं, जो इस तरह के लैंग्वेजेज को लेकर सीखते हैं और फिर जाकर के इसे कंपनी में जॉब करते हैं, तो यहाँ पे इन लोगों का भी अच्छा खासा मांग है जो बीटेक कर करके ये सारे कंपनीज में जा सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट में जा सकते हैं, अमेजोन में जा सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर में जा सकते हैं, ज्योति में जा सकते हैं, टाटा स्काई में जा सकते हैं, भारत बेंच में जा सकते हैं, टाटा में, टाटा ग्रुप में जा सकते हैं, बहुतों सारी कंपनीज है, वीआरएल में जा सकते हैं, सेफेक्स में जा सकते हैं, रिबिगो, ब्लैकबक, इस तरह की कंपनी में इन सारे लोगों का बहुत मांग है आज की डेट में। आज अगर इन सारे कंपनियों की वेबसाइट पे भी आप जाकर के चेक करते हैं तो ये सारे लोगों का वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा ही होगा, क्योंकि हमेशा वहाँ पे बीटेक से रिलेटेड लोगों का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे इन लोगों के लिए भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे अच्छा खासा जॉब है। सैलरी की मैं बात करूँ दोस्तों तो सैलरी यहाँ पे अनडिफाइंड है जो बीटेक किए हुए हैं, मैं सैलरी ऐसे नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे 25,000 से लेकर के 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 3, 4, 5 लाख तक लोगों को दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कॉलेजेस का कि कैसे कैसे कॉलेज से आप ये सारे डिग्री या सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो। तो ध्यान से दोस्तों सारे कॉलेज के नाम सुनिए, IIFA मल्टीमीडिया, AFT यूनिवर्सिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी, ICFAI यूनिवर्सिटी, इग्नू, CMS बिजनेस स्कूल, CT यूनिवर्सिटी, IIM, जितने भी IIM है इंडिया में, मैं सारे की बात कर रहा हूँ, हॉलमार्क बिजनेस स्कूल, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, IIMM चेन्नई, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक एंड एविएशन मैनेजमेंट, सबसे ज़्यादा जरूरी है लॉजिस्टिक के लिए ये जो कॉलेज है ये वाला, मदुराई कमराज यूनिवर्सिटी नामी ग्रामी कॉलेज है, शारदा यूनिवर्सिटी नामी ग्रामी कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक, यहाँ पे लॉजिस्टिक से रिलेटेड आपको कोर्स करवाए जाते हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है, तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस कोर्स यहाँ पे करवाया जाता है, यहाँ से भी आप लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में कोर्स कर सकते हो, यहाँ पे आप इनके साइट पे जा करके देख सकते हो। इसके अलावा सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कोर्स के लिए दोस्तों आपको सेफ एक्सप्रेस करवाती है यहाँ से कोर्स, आप यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो, सेफ एडुकेट करके इनका नाम है, ओम लॉजिस्टिक भी कोर्स करवाती है, TCI भी कोर्स करवाती है, और जेल यूनिवर्सिटी भी कोर्स करवाती है। तो ये सारे जगह है जहाँ से कि कुछ जो सेलेक्टेड में निकाला हो, जहाँ से कि जो आपका कोर्स फी है वो तकरीबन 10 लाख तक जाता है, 12-14 लाख तक जाता है, बट जॉब लगने के चांसेस वहाँ पे अच्छा खासा हो जाता है। वहाँ से आपको कैंपस सिलेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि सेफेक्स की मैं बात करूँ या ओम की बात करूँ, यहाँ से अगर आप करते हो तो आपको कैंपस सिलेक्शन भी हो सकता है, जबकि लॉजिस्टिक कंपनी है, बट यहाँ पे फिर भी आपको कैंपस सिलेक्शन हो सकता है। तो जरूरी है कि आपको कैसे कॉलेजेज में जाना है, कहाँ से करना है, आप एक बार तय कीजिए, देखिए सारे जगहों पर जाकर के कहाँ से आपको बेस्ट लग सकता है, कौन से कॉलेज से आप कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेज है, आप गूगल जाकर के चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए था इतना है, मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।